Welcome to another online class of English here. And in this class, the book I'm using here is GABA English, a multi-skill textbook for class 6. So let's move on to contents and see what we have to study today, kids. Here are contents, kids. Or contents mein jo unit aaj hum continue karne wale hain. That is unit number 12, The Strange Punishment, on page number 92. Let's go to page number 92. Kids, this is page number 98 और यहाँ पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ग्रामर टाइम. हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था दैट वॉज स्ट्रेंज पनिशमेंट. अब उसी के हम बुक वर्क पर हैं जिसमें हमारे पास ग्रामर टाइम है पेज 98 पर. इसमें हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में कि मॉडल वर्ब्स बेसिकली होते क्या हैं. रीड दीज सेंटेंसेस. आई विल गिव यू सम मनी. साजिदा मे रीड ऑन एन इंग्लिश नॉवल. ही माइट हैव लॉस्ट हिज टेम्पर. The colored verbs in this sentence are called models. इनमें जो colored word आपको दिए गए हैं ये क्या हैं, इनके models हैं. Models are a special kind of helping verbs. जिस तरह helping verb होते हैं आपके is होते हैं, are होते हैं, am होते हैं, क्या होते हैं आपके helping verb के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी ये जो हैं models हैं ये भी आपके helping verb की तरह, special kind of helping verb की तरह काम कर रहे होते हैं. मॉडल वर्ब किस तरीके से काम करता है सेंटेंस में, हम उसे will, would, can, could, may, might किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, अब हम मज़ीद देखते हैं वीडियो में इसके बारे में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. वेलकम टू EA English Production. Myself इमरान अली रॉय एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अनदर लेसन दैट इज मॉडल वर्ब्स. आज हम आपको कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ये मॉडल वर्ब्स करवाएंगे. इसका एक ये फ़ायदा होता है, इसका तो बेपनाह फ़ायदा है. दूसरे नंबर पे इसका आपको ये फ़ायदा होएगा कि एक तो ग्रामर सेट होएगा, दूसरा आपके यहाँ इनका इस्तेमाल जो है वो एक आम हो जाएगा. आप इंग्लिश को आसानी से बोलने में जो है वो आपके लिए मामन रहेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्पस फॉर द मॉडल वर्ब्स इज कि जब कभी भी हम किसी से बात करते हैं तो उसमें ज़रूरत के पेश आना, दबाव, कोई चीज़ ज़रूरी होना, उस पे दबाव देना, कोई चीज़ फ़र्ज़ होना कि बिल्कुल ही लाजमी, और अगर कोई चीज़ इखलाकी तौर पे, जैसे कि हम कहते हैं उसको कि वो आपका ऑब्लिगेशन है, जो कि हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है कि वो करो या ना करो, इस तरह का हम तसव्वुर देना चाहते हैं अपनी बातचीत में, तो देन वी नीड मॉडल वर्ब्स. तो मॉडल वर्ब्स हमारी मदद करती हैं, हमें उसकी ज़रूरत होती है. इनके एक एक फिक्रे में, एक एक के इस्तेमाल से काफ़ी फ़र्क पड़ता है. जैसे वो सो सकता है, वो सो सकता था, वो सो ना सका, वो उसको सोना चाहिए था, तो फिक्रे का जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम होता है, बट उसमें जो मॉडल वर्ब्स है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब्स के तौर पे जो है वो यूज़ होती है. जैसे वो सो सकता है, हम आपको एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, वो सो सकता है. ही कैन स्लीप. वो सो ना सका, ही कुडंट स्लीप. वो सो ना सका, ही कुडंट स्लीप. द नेक्स्ट सेंटेंस, वो सो सकता था, वो सो सकता था, ही कुड, वो सो सकता था, ही कुड हैव स्लेप्ट. ही कुड हैव स्लेप्ट. उसको सो जाना चाहिए था, ही शुड स्लीप. उसको सो जाना चाहिए, ही शुड स्लीप. उसको सो जाना चाहिए था, ही शुड हैव स्लेप्ट. वो सो सकता था. तो आई वॉन्ट टू से कि इनका इस्तेमाल आपको एग्जाम्पल के साथ एक तो बेहतर समझ देगा, दूसरे नंबर पे आपको काफ़ी मदद हासिल होगी जब आप इनके इस्तेमाल से इंग्लिश को एक्यूरेसी के साथ बोलेंगे, दुरुस्ती के साथ बोलेंगे. और जहाँ तक हमारा मॉडल वर्ब्स का और ऑक्सिलियरी वर्ब का फ़र्क है, वो भी इतना है कि जब हम मॉडल वर्ब सीखते हैं तो वो इतनी हद तक होती है कि जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और वुड, यहाँ तक होती हैं. बाकी जो वुड भी, शुड भी, कैन भी, माइट भी, would have, should have, और जो हम पढ़ रहे हैं must have been, तो ये हमारे लिए auxiliary verbs होती हैं. तो ये इनका lesson अलग होएगा ताहाल, और इस वक्त हम आपको जो है सिर्फ और सिर्फ model verbs पढ़ाना चाहेंगे. इनका जो purpose है model verbs का, वो सिर्फ और सिर्फ परमिशन, प्रोहिबिशन और एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करने वाली कुछ मॉडल वर्ब्स होती हैं,
और कुछ मॉडल वर्ब्स आपको ऑब्लिगेशन देती हैं नेसेसिटी के साथ और लैक ऑफ नेसेसिटी के साथ। नेसेसिटी मतलब कोई चीज़ ज़रूरी होना, लाजिम होना, और कोई चीज़ इतना ज़्यादा ज़रूरी ना होना, तो उसमें लैक ऑफ नेसेसिटी आ जाती है। यानी कि एडवाइस, जब हम नसीहत करते हैं तो उसमें और हुक्म देने में काफ़ी डिफरेंस होता है कि आप ये काम करो या आपको ये काम करना चाहिए। तो जब हम जोर देते हैं देन हम वो ऑब्लिगेशन लगाते हैं जो स्ट्रांग ऑब्लिगेशन होता है। दो किस्म के ऑब्लिगेशन है, एक स्ट्रांग और एक वीक ऑब्लिगेशन। जो स्ट्रांग ऑब्लिगेशन होता है वो आपका मस्ट के साथ चला जाता है, जो वीक ऑब्लिगेशन होता है वो शुड के साथ, आउट टू के साथ, सपोज टू के साथ, और इसके साथ जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ। इसी तरह जब हम किसी चीज़ को मुमकिन करना चाहें या मफरूजे के बुनियाद पर बात करना चाहें, यानी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी की बात करें कि वो ऐसे हो सकता है कि वो आ चुका हो, आ चुका होगा, आया होगा, तो वुड बी, शुड बी, मस्ट बी, मस्ट हैव, देन हम जो है इन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सिलरी के साथ। कुछ अहम एक टॉपिक जो इससे भी थोड़ा सा एडिशनल है कि जब हम एक प्रोफेशनली बात करना चाहते हैं और अनप्रोफेशनली, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि ऑफिस में और ऑफिस से बाहर, तो दो तरीके से हम बात करते हैं, यानी रस्मी तरीके से और गैर रस्मी तरीके से। तो जब कभी हम किसी से बात करना चाहें, किसी फ्रेंड से, देन वी यूज़ सम ऑफ द रूट काइंड ऑफ सेंटेंसेज वी कैन यूज, जो कि प्रोफेशनल किस्म के ना हो, जैसे कैन आई गो विद यू, कैन यू टेल मी व्हाट विल यू लाइक, कैन आई गो नाउ, राइट। वही सेंटेंसेज जब ऑफिस में अपने बॉस के साथ या अपने कुलीग के साथ या अपने किसी भी ऐसे जो आपका को वर्कर हो उससे करना चाहें या अपने कस्टमर से, देन आपको जो है हेल्पिंग ये वाले मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यानी कैन आई गो विद यू के बजाय वुड यू माइंड इफ आई गो विथ यू। सिमिलरली कैन आई हेल्प यू के बजाय मे आई हेल्प यू, कुड यू टेल मी के बजाय वुड यू माइंड टेलिंग मी, यानी कैन यू टेल मी, क्या मुझे बताओगे, वुड यू माइंड टेलिंग मी, यानी कि कैन यू टेल मी योर नेम, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम। व्हाट विल यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक। कैन आई गो नाउ, शुड आई लीव नाउ। ऑलराइट, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो आपकी मदद करते हैं जब हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल सीखते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प होती है। और इसकी एग्जांपल, जब हम प्रोहिबिट करना चाहें, मना करना चाहें, रिस्ट्रिक्ट करना चाहें प्रोफेशनली और अनप्रोफेशनली, जैसे कैन आई गो विद यू, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ। जब हम मना करना चाहें, जैसे आपको ये नहीं करना, तो उसमें हम कहते हैं यू आर नॉट सपोज टू डू इट, I am sorry, but you cannot do it. I am afraid I can't help you. I am afraid it cannot be helpful. जब कहना हो कि sorry आपको नहीं आना, I am sorry you are not coming. बजाय कि नहीं, you don't come, you should not come, you must not, no. बजाय इसके तो हमें ये मॉडल वर्ब्स जो है वो हमें तरीका सिखाती हैं, कारीना सिखाती हैं। ये तो एक हमारा लेसन है जो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था। आज हम सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट लेसन्स में हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे, यानी कि मस्ट के साथ मस्ट बी का इस्तेमाल, मस्ट हैव का इस्तेमाल, शुड हैव, शुड बी, शुड हैव, कुड, कुड बी, कुड हैव, वुड बी, वुड हैव, तो इंशाल्लाह वो ऑक्सिलरी वर्ब्स करेंगे। Now we are going to start up a lesson that is modal verbs with obligations. जब हमने किसी को नसीहत करनी हो, मना करना हो, या किसी के जिम्मा कोई काम लगाना हो लाजमी तौर पे, या इतना ज़्यादा लाजमी ना हो, यानी weak obligation और strong obligation, तो हमें किस किस्म की helping verbs चाहिए होती हैं। जब हम strong obligate करते हैं कि आप लाजमी मुझे मिलना, आपको सारे सवाल हल करना लाजमी है, उसे ये काम नहीं करने देना हर हाल में, यानी ये सवाल मस्ट आएगा, तो देन हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारी वो सर्टेनिटी स्ट्रॉन्ग है, हम उसमें एक जो है वो ऐसा ऑब्लिगेशन दे रहे हैं जो फर्म किस्म का है, स्ट्रेस वाला है, फोर्स वाला, तो देन मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। एज यू कैन सी दीज सेंटेंसेज अंडरलाइंग आर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन एंड फॉर दोज वीक ऑब्लिगेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। You should help the needy. आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। You should
So I'm using the verb should. Model verb is should. आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. You should visit the doctor. आपको सोना चाहिए. You should sleep now. You should sleep now. आपको सोना चाहिए. आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए. आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए. You should work hard. You should work hard. Now let's speak up the words or sentences. They are connected with the strong obligation. So जाने से पहले मुझे लाजमी मिलकर जाना. You must meet me before going. जाने से पहले पैसे अदा करना लाजमी होंगे. You must pay before leaving. उसे आप उसे लाजमी काम करने दें. You have, you must let him do work. And then जो strong obligation की और भी helping verbs होती हैं, modal verbs होती हैं, वो होती हैं have to, must. उसे काम नहीं करने देना आपने. You must not let him work. Shall, shall भी हमारा एक modal verbs है जब हम इजाजत लेना चाहते होते हैं. Shall I go now? क्या मैं जाऊँ अब? Shall we leave now? क्या हम जाएं? Shall he come? क्या वो आ सकता है? Alright. Shall I stay here? क्या मैं यहाँ रुकूं? एक shall हमारा वहाँ helping verb इस्तेमाल होगा जब हम future, indefinite या future का कोई भी tense करना चाहें. But ये shall हमारा as a modal verbs जब इस्तेमाल होता है, जब हम इजाजत लेना चाहते हैं, permission के. The next shall का जो should है वो जब हम नसीहत करना चाहें या मना करना चाहें, लेकिन सख्ती के साथ नहीं, weak obligation यानी इखलाकी फ़राइज के साथ, तो तब हम should का इस्तेमाल करेंगे. आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए. You should not go there. आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए. You shouldn't go there. उसको चाय नहीं लेनी चाहिए. He should not take tea. He shouldn't take tea. उनको इतना सख्त काम नहीं करना चाहिए. They should not work too hard. They shouldn't work too hard. हमें उससे दोबारा नहीं मिलना चाहिए. We should not meet him again. We shouldn't meet him again. Now, should से हमारा इस्तेमाल आया था should have पे, जो मैं additionally तौर पे आपको modal verb से हटके auxiliary modal verbs के पास लेके जा रहा हूँ. यानी अगर तो should था वो तो इखलाकी फर्ज यानी कि strong weak obligation था, but should have हमारा वो obligation जो in the past है. यानी कि should का मतलब वैसे तो चाहिए है, लेकिन should have का मतलब चाहिए था. जैसे कर लेना चाहिए था, तुम्हें सो जाना चाहिए था, उसे मान जाना चाहिए था, देन हम should have का इस्तेमाल करते हैं. should plus have. मुझे आपकी मदद कर देनी चाहिए थी. I should have helped you. उसको इतना दूर नहीं जाना चाहिए था. He shouldn't have gone so far. या he should have not gone so far. उसको इतना दूर नहीं जाना चाहिए था. He should not या he should have not gone so far. उन्हें चाहिए था कि वो आपको ना सोने देते. They should have not let you sleep. इसका फार्मूला should have plus third form. उनको इम्तिहानात की तैयारी कर लेनी चाहिए थी. उनको यानी उसको. He should have prepared for the exams. Now look at the examples again. If you want to write it, you can write should have plus third form. कर लेना चाहिए था. मुझे आपसे बात कर लेना चाहिए थी. I should have talked to you. मुझे आपसे मिल लेना चाहिए था. I should have met you. मुझे वहाँ चले जाना चाहिए था. I should have gone there. Alright, that is obligation in the past. कि मुझे एक चीज कर लेनी चाहिए थी. Now let's talk about the modal verbs that is had better. Had better is just like जब हम किसी को नसीहत करना चाहते हैं, मना भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी हमारा weak obligation है. जब हम कहते हैं बेहतर होगा तुम यहाँ से चलते बिनो. Right, you had better to leave now. बेहतर होगा कि वो यहाँ ना सोए. He had better not to sleep here. तो याद रखिएगा ये had वो वाला had नहीं है जो past में चला जाता है. This is a had better. So had better हमारा एक phrasal verbs में हमारा meaning change सा है. इसका उस had से कोई ताल्लुक नहीं जो हम माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं
या हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम परफेक्ट टेंस में, ये है कंडीशनल क्लासेस का, हैड बेटर। सो हैड बेटर बेहतर होगा, बेहतर होगा कि वो अब चला जाए। ही हैड बेटर टू लीव नाउ, बेहतर होगा कि तुम अब इस्तीफा दे दो। यू हैड बेटर टू रिजाइन नाउ, यू इट बेटर टू रिजाइन नाउ, बेहतर होगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आई हैड बेटर टू विजिट द डॉक्टर। सो यूजिंग हैड बेटर यू शुड यूज ऑल द सब्जेक्ट्स यूजिंग आई, वे, यू, दे, ही, शी, इट, नेम और एनी सब्जेक्ट यू कैन यूज विद हैड, इट्स कंफर्टेबल एंड सूटेबल विद। यूजिंग नीड नॉट, नीड नॉट जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। जैसे आपको दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने की अब कोई जरूरत नहीं, जैसे आपको दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं। यू नीड नॉट टू कम अगैन, उसको ये केस रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ही नीड नॉट टू रिपोर्ट दिस केस, मुझे टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं। आई नीड नॉट टू अपियर इन द टेस्ट, उन्हें इनके साथ बहस की जरूरत नहीं। दे नीड नॉट टू आर्ग्यू विद देम। सो नीड नॉट इज ऑल्सो एन ऑक्सिलरी वर्ब, फेजल वर्ब दैट इज इंक्लूडेड इन द मॉडल वर्ब्स, बट इट इज एडिशनल दैट आई एम टीचिंग यू। इट्स ऑल्सो अ पीस ऑफ एडवाइस एंड वीक ऑब्लिगेशन। अब तक हमने हैड बेटर, नीड नॉट, शुड हैव जो है वो वीक ऑब्लिगेशन और शुड को भी वीक ऑब्लिगेशन में पढ़ा है, जिसमें हम नसीहत भी कह सकते हैं और मना भी कर रहे होते हैं तो सख्ती से नहीं कर रहे होते, इखलाकी फ़राइज़ में शामिल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, और ये वाहिद है जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है जिसमें कोई चीज़ करना लाजमी होती है, यानी कि मस्ट। एक तो मस्ट, एक हैव टू, यानी कि उसको डॉक्टर के पास जाना है, ही हैज़ टू गो टू डॉक्टर। सो हैव टू, हैज़ टू और मस्ट, ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होते हैं, यानी सख्त किस्म के फ़राइज़ होते हैं, ये करने लाजिम होते हैं। जैसे इम्तिहान पास करने के लिए उन्हें सख्त मेहनत करना होगी। ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम्स, ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम्स। पेपर में दिए आपको सब सवालात हल करना लाजिम होंगे। You must attempt all questions in the paper. You must attempt all questions in the paper. आपको काम करने से पहले उससे बात करना लाजिम होगा। आपको काम करने से पहले उससे बात करना लाजिम होगा। You must talk to him before start working. You must talk to him before स्टार्टिंग द वर्क, बिफोर स्टार्ट द वर्किंग। उसको कल की पार्टी में जाना ही होगा। ही मस्ट ज्वाइन द पार्टी टुमारो, ही मस्ट ज्वाइन द पार्टी टुमारो। लेट्स टॉक अबाउट मस्ट एंड मस्ट बी एंड मस्ट हैव। व्हेन यू हैव फर्म कन्विक्शन और यू आर यूजिंग अ लॉजिकल कंक्लूजन और सर्टेनिटी, जब आपको यकीन होता है, जब आप में फर्म बिलीफ होता है कि वो आ चुका होगा, वो आ ही रहा होगा, एक रूटीन के बुनियाद पे और एक जो है वो डिस्टिंक्शन के बुनियाद पे, और कोई ऐसे एविडेंस आपके माइंड में हो कि कोई एलिमेंट के इस तरह इस टाइम वो आता है, तो अब वो टाइम हो चुका है, तो आज भी वो आ ही गया होगा, देन यू आर सर्टनली सर्टन। सो सर्टेनिटी का जो हमारा लॉजिकल कंक्लूजन है, जिसमें आपको फर्म बिलीफ होता है, कन्विक्शन होता है, तब आप मस्ट बी या मस्ट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एक्चुअली लियरी वर्ब, यानी वो आ ही रहा होगा, ही मस्ट बी कमिंग। बच्चा जाग गया होगा, तो चाइल्ड मस्ट हैव वोकन अप। वो थका हुआ होगा, ही मस्ट बी टायर्ड। आप खुश ही होंगे, यू मस्ट बी हैप्पी। वो नाराज़ होगी, यानी कि शायद वो नाराज़ होगी, इससे मुराद कि वो लाजमी नाराज़ होगी शायद। शी मस्ट बी वेरी एंग्री, शी मस्ट बी एंग्री। वो आ ही चुकी होगी, शी मस्ट हैव कम। वो जा ही चुके होंगे, दे मस्ट हैव गॉन। अली को समझ आ चुकी होगी, अली मस्ट हैव लर्न्ड, और आप सबको समझ आ ही होगी, All of you must have got it.
Have you got it? Great. Let's talk about ability and possibility modal verbs. जब हमने सलाहियत बताना हो और जब हमने इजाज़त लेना हो, ability और possibility के हमारे पास could और can और could में है. एक ability in the past होता है, एक ability in the present, यानी कि I can swim, मैं तैर सकता हूँ. मैं तैर सकता हूँ, वो तैर सकता था, मैं तैर सकता था, वो तैर सकता है. सो कैन और कुड का सीन है. जैसे मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, वो तैर सकता था, ही कुड स्विम. मैं आपकी मदद ना कर सका, आई कुडंट हेल्प यू. शी कुडंट क्वालिफाई फॉर दिस जॉब, वो इस जॉब के लिए क्वालिफाई ना कर सके. स्मोकिंग कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ, इट कैन काज इलनेस. तो ये हमारी पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि ये मुमकिन है कि ये काम ये कर सकती है. सो तब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं जब कभी कोई बीमारी की लाहक होने की तशवीश जाहिर की जाए, यानी पॉसिबिलिटी बताई जाए कि ये चीज़ मुमकिन है, कि ये हो सकती है. इट कैन. कुडेव, कुडेव जैसे हमने कुड का इस्तेमाल किया, कर सकता था यानी कर सका. लेकिन एक कुड हैव होता है एक ऐसी सलाहियत जो माजी की थी, जब हम कहना चाहे कि उस वो कर तो सकता था मगर ना की, वो अखबार तो पढ़ सकता था मगर ना पढ़ी, वो मुझे जाने से रोक सकती थी मगर उसने ऐसा ना किया. यानी जब हम फिक्र की तवालत को आगे बढ़ाएं तो वो उस पर डिपेंड करता है. लेकिन जो मगज और पुरमगज बात है वो सिर्फ इतनी ही है, वो आपकी मदद कर सकता था कि कुड हैव हेल्प्ड यू. जैसे शुड हैव थर्ड फॉर्म थी, इसी तरह कुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ है. और याद रखिएगा, जो मैंने आपको शुड हैव सिखाया है उसका मतलब है चाहिए था, यानी मुझे बात कर लेनी चाहिए थी. आई शुड हैव टॉक्ड टू यू, यानी थर्ड फॉर्म टॉक्ड टू यू. आई शुड हैव मेट यू, मुझे आपसे मिल लेना चाहिए था. लेकिन यहाँ कुड हैव कर सकता था, ही कुड हैव हेल्प्ड यू बट ही डिड नॉट. मैं जाने से पहले अखबार पढ़ सकता था, मैं जाने से पहले अखबार पढ़ सकता था. आई कुड हैव रीड द न्यूज़पेपर, आई कुड हैव रेड द न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग. ये थर्ड फॉर्म है रीड की, रेड. वो मुझे जाने से रोक सकती थी, वो मुझे जाने से रोक सकती थी. शी कुड हैव रेजिस्टेड मी टू गो, वो रेस जीत सकते थे मगर उन्होंने कोशिश ना की. दे कुड हैव वॉन द रेस बट दे डिडंट ट्राई. दे कुड हैव वॉन द रेस, वो जीत सकते थे मगर उन्होंने कोशिश ना की. दे कुड हैव वॉन द रेस. होपफुली यू हैव गॉट दिस पॉइंट. जब तकल्लफ देना हो तो वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे वुड यू प्लीज गेट अ साइड, क्या आप थोड़ा साइड पे होएंगे. Would you have cup of tea? क्या आप चाय लेंगे? What do you think of having cup of tea? Where would you go? आप कहाँ जाना चाहेंगे? How would you translate it? आप इसको कैसे translate करेंगे? Hopefully you have got it with a better way. Inshallah the next lesson that would be all about modal verbs. Additionally that I'm teaching you is would be, should be, would have, should have, must have, might be, might have, with lot of examples. They would be helpful for you. Kids, I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या होते हैं मॉडल वर्ब्स और हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं. तो अब उसके अकॉर्डिंगली आपने ये फिल द ब्लैंक्स को जो है वो फिल करना है. जैसे आई डैश लव टू हैव अ जॉब लाइक yours एंड आई कैन सी सो मेनी न्यू प्लेसेस. आई विल लव टू हैव अ जॉब लाइक yours. यहाँ पर विल जो है दैट दिस इज मॉडल वर्ब. आपने क्या करना है, विल और वुड यूज़ करना है यहाँ पर. I've just baked a cake. Will you have some? मैंने केक बेक किया था, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे. When I was young, my mother would tell me the stories every night. Would tell me, she used to do. Would कहाँ पर यूज़ हो रहा है, जब कोई चीज़ आप करते थे, करने के आदि थे, तो would tell me stories every night. Will you hold the tape deck while I attach the speaker to it? Now number 5 is, would you like to come for a concert on Friday? The names of those candidates who have passed on the entrance test will be put up on the notice board by 5 p.m. today. Now, will you please let the patient rest? He hardly slept last night.
I would go and meet Akram this evening. He must be wondering what has happened to me. Now this is page number 100. Exercise B. Fill in the blanks using may, might appropriately to complete the following sentence. अब आपने यहाँ पर blanks में क्या use करना है? May and might आपने appropriate sentence के accordingly उसे fill करना है. May I go out to play in the public playground? You may borrow the eraser from your friend if you haven't got your own. If I get A plus in the annual examination in all the subject, my parents might decide to send me to the best boarding school. Number 4 is Reema might visit us for a week in our summer vacation if she does not get any job till then. Now number 5, mother might accompany father to Dubai on his tour if nothing untoward happens. एक्सरसाइज सी में आपने जो ब्लैंक्स हैं वो कैसे फिल करनी है कैन और कुड के साथ. ही इज़ वेरी गुड जिमनास्टिक. ही कैन पास थ्रू अ रिंग ऑफ द फायर विद ईज. मॉम आई एम थर्स्टी. कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. नंबर 3, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश आई कुड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल करेक्ट सेंटेंस. द प्लेन कुड नॉट टेक ऑफ बिकॉज ऑफ द डेंस फॉग. ये फिल्म हमने आपने इस तरीके से फिल करनी है. अब हम चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ. दिस इज फन टाइम ऑन पेज 101. All of you must be fond of eating different vegetarian and non-vegetarian dishes every day. आप सब लोगों को vegetarian and non-vegetarian dishes बहुत पसंद होंगी कोई सी भी खाने में. तो आपने क्या करना है, work in pairs and discuss with your partner about both types of food. आपने अपने siblings के साथ बैठकर discuss करना है कि आपको किस type का food जो है वो पसंद है. Now make a list showing the names of at least 5 vegetarian foods and 5 non-vegetarian foods in the table below. अब आपने क्या करना है, फिर लिस्ट बनानी है, 5 वेजिटेरियन फूड्स बनाने हैं एंड 5 non-vegetarian foods की आपने बनानी है. जैसे यहाँ पर आपको मैंने पिक्चर में कुछ मैंने लिखकर दिखाया गया है. इस तरह आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली अपनी फेवरेट डिशेज में फिल कर सकते हैं. तो आपका बुक वर्क यहाँ पर डन होता है. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं. टेक केयर ऑफ़ सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.